अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दही की कढ़ी। इसके लिए हमने 7 to 8 टेबलस्पून ये आटा ले लिया है बेसन का। इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1.5 टीस्पून नमक और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। और इसमें हम 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, हम पूरा नहीं डालेंगे एकदम से। मिक्स कर लीजिए अब इन सब चीजों को अच्छे से और एक पेस्ट तैयार कर लीजिए भजियों के लिए। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए हमारा बैटर भजिए का। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ये जो है बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसे रेस्ट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए हम रख देंगे। ये देखिए अब हमने 1 kg दही लिया है। इसके लिए 5 टेबलस्पून ऑफ बेसन का आटा है। ये हरी मिर्ची का पेस्ट है। ये बघार के लिए करियापाक, लहसुन, मेथी दाना, राई और सूखी मिर्ची है और जीरा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये 1 डली प्याज है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये दही को पहले हम छान लेंगे। कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमें इसको छानना जरूरी है। अच्छे से पूरे दही को आप छान लीजिए एक बर्तन में, जिसमें हमको दही की कढ़ी बनाना है उसी बर्तन में छान लीजिए। ये देखिए पूरी तरह से हमने दही को छान लिया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1 से 2 कप। अब हम इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून फुल है। ये बेसन का आटा है, 5 टेबलस्पून डालेंगे हम 1/2 चम्मच। ये देखिए अब बेसन का आटा हमने इसमें डाल दिया। अब अच्छे से अपने हाथों से दही में सब मिक्स कीजिए। चने के आटे को अच्छे से मिक्स करना है आपको, नहीं तो लम्स रह जाते हैं। लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए अब सब कुछ हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, कोई लम्स बाकी नहीं है बिल्कुल भी। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर है ये। धनिया को हमने भूनकर पीस लिया है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। और ये रहा जीरा पाउडर, जीरे को भी हमने भूनकर पीस लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। और ये देखिए 1 टेबलस्पून हमने इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड किया है। आप अपने हिसाब से टेस्ट के भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ये 1 बंच ऑफ करी लीव्स या करिया पत्ता के पत्ते हैं। और ये 1 डली मोटी मोटी कटी हुई प्याज है, ये भी ऐड कर देंगे इसमें। सब चीजों को मिक्स कर लीजिए। ये 1 टीस्पून फुल नमक है, 1.5 टीस्पून। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे
और धीमी आंच पर अच्छे से पकने देंगे। कम से कम 10-15 मिनट्स तक ये पकना चाहिए, फिर ये रेडी हो जाएगी कढ़ी। अच्छे से बॉईल होना है ये, धीमी आंच पर ही इसको पकाइए। ये देखिए अब भजियों को फ्राई करने के लिए हमने तेल डाल लिया है, अब हम भजिए फ्राई करेंगे ऑयल में। अच्छे से फ्राई कर लीजिए भजिए धीमी आंच पर, क्योंकि अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो हमारी कढ़ी भी रेडी हो रही है उधर। देखिए अब भजिए फ्राई होना स्टार्ट हो गए, दोनों तरफ से अच्छे होने के बाद इसे निकाल लीजिए। ये बिल्कुल रेडी है, अब इसे निकाल लीजिए एक बर्तन में। देखिए कढ़ी अब हमारी रेडी है, इसे बॉल में निकाल कर सर्व कीजिए। ऊपर से ये जो हमने भजिए फ्राई किए थे वो इसमें डाल दीजिए, एक एक करके पूरे भजिए ऐड कर दीजिए। अभी हम बघार लेंगे, तेल डाला है हमने और इसमें मेथी दाना, जीरा, राई, प्याज और सूखी मिर्ची डालिए। अब ये जो बघार है हम इसके ऊपर से डाल देंगे कढ़ी के ऊपर। ये देखिए हमारी दही की कढ़ी बिल्कुल रेडी है। आप इसे प्लेन राइस के साथ सर्व कीजिए या फिर रोटी, जवारी की रोटी या गेहूं की रोटी से, फुलके से सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए आप अपने घर में। और हमें बताइए अपने कमेंट्स में आपको ये रेसिपी कैसी लगी, हैदराबाद की दही की कढ़ी। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।